वंदनीय गुरुदेव श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर पूज्य श्री गुरुमन देव जी के नाम का स्मरण करके मुदमंगल में संत समाज धर्म स्नेही श्रोता बंधुओं सेवा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज 30 सितंबर का समागम श्रीमान श्याम नारायण कुशवाहा जी, श्रीमती मुन्नी देवी कुशवाहा, उनके पुत्र श्री कन्हैया कुमार आशीष कुमार कुशवाहा, बिहार प्रदेश डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी चंपारण, तहसील बगहा, पोस्ट नरईपुर, ग्राम डुमवलिया की ओर से भंडारे के लिए सुखद सत्संग यूट्यूब चैनल पर प्रसारण के लिए सेवा राशि आई हुई है। श्री कन्हैया कुमार कुशवाहा जी का मोबाइल भी आया था। उनकी माँ श्रीमती मुन्नी देवी कुशवाहा से भी उन्होंने बात कराया, उनको आशीर्वाद दिलाया और कहा कि आज हमारा कार्यक्रम है, आपकी कृपा से हमारी तरफ से हमारे माता पिता की ओर से 30 सितंबर का भंडारा और सुखद सत्संग सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल पर हमारे परिवार की ओर से हो रहा है। उन्होंने कहा पश्चिमी चंपारण से कोई भक्त खड़ा नहीं हो रहा था, दिख नहीं रहा था कि गुरुदेव के यहाँ कौन भंडारा करेगा। तो बोले मैं तो आपसे मिला नहीं हूँ, यूट्यूब चैनल में प्रवचन सुनता हूँ, मोबाइल के द्वारा परिचय हुआ है। मेरी इच्छा हुई कि मेरा परिवार ही पश्चिमी चंपारण से प्रथम भंडारा करेगा, इसलिए हम राशि भेजकर अनुग्रहित हैं, आप स्वीकार करें। आज संतों को जो भी दाल चावल सब्जी नाश्ता जलपान महाप्रसाद ग्रहण करने को मिला है वो पश्चिमी चंपारण बिहार के भक्त श्याम नारायण कुशवाहा, मुन्नी देवी कुशवाहा, कन्हैया कुमार आशीष कुमार कुशवाहा की ओर से संपन्न हुआ है। एक बार उनके लिए श्रद्धा से ताली बजा दें ताकि उनका मन खुश हो जाएगा। कल परम भक्त एक विशेष भक्त का जन्मदिन है, उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भंडारा भी है और 31,000 की राशि अर्थात 31,000 की राशि संतों के वस्त्र आदि विशेष सेवा के लिए भेजी गई है, जो कि बॉम्बे के निवासी हैं। उनके पुत्र पुत्री अपने पिता की जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भंडारा भी कर रहे हैं। पहले भंडारा करने का विचार नहीं था, लेकिन अब उनका विचार हो गया है। पहले सोच था भंडारा और लोग भी करते हैं, हम जो है अन्य सेवा कर देंगे वस्त्र आदि की,
लेकिन फिर कल फोन आया उनकी धर्मपत्नी का कि हमारे पति देव के नाम से भंडारा भी हो जाए, तो 1 तारीख को उनका होगा और 2 तारीख को श्री चेतन मोरे, श्रीमती प्रीति बाला मोरे, महाराष्ट्र मुंबई डिस्ट्रिक्ट पालघर, तहसील वसई, निवास A/P विरार, उनकी ओर से भंडारा प्लस सुखद सत्संग का प्रसारण होगा। बड़ी श्रद्धा है, बड़ी श्रद्धा है। ये बॉम्बे वाले धन्यभागी हैं और जितने भक्त सत्संग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट श्रवण कर रहे हैं सब सौभाग्यशाली हैं। सभी को व्यास गादी धन्यवाद देती है, शुभकामना करती है। हम सेवक परिवार समेता, जाओ जल्दी। नाथ न सकुचो आय सुदेता, गाइए धर्मवीर यदुवीर गाइए। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आय सुदेता, नाथ न सकुचो आय सुदेता। धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोखी जन्म तुम लीन्हा। ये चौपाई किसके मुख से कही गई है? देव ऋषि नारद, पंडित कृष्णदत्त की पत्नी सुंदरी जिसका नाम है, उसके कृत्यों को देख करके नारद जी कहते हैं, तुम्हारे माता पिता धन्य है जिनकी कोख से तुमने जन्म लिया है, वो माँ धन्य है। तुम्हारा मनुष्य जीवन पाना सफल हो गया है, जो तुमने एक संत की सेवा श्रद्धा भरे मन से किया है। धन्य तुम्हारे गुरु सुखदाई, तुम्हारे गुरु भी धन्य है, सुख देने वाले हैं। गुरु सुख देता है, सुखदाता, दुख भंजन गुरुदेव। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। काकभुसुंडी जी मानस के अंतर्गत गरुड़ जी को समझाते हैं कि गरुड़ जी, संत के दर्शन के समान संसार में कोई सुख नहीं है। संत मिलन कब सुख देता है? जब माया का अभिमान छोड़कर संत के श्री चरणों में हम जाते हैं, नम्रता पूर्वक उनको नमन करते हैं, तब सुख मिलता है। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि नय अग्नि समान।
ज्यों ज्यों पैर आगे पड़ते हैं करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। एक बार पांडव बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन नियमानुसार विशाल भंडारा होना था। भंडारा में कोई महान संत का आगमन आवश्यक था। आप कोई भंडारा करें लेकिन महान संत आकर भोग न लगाए तो भंडारा नहीं माना जाता है, भोजन वितरण माना जाता है। जिसे बहुत से नेतागण चुनाव के समय भंडारा करते हैं, 5 साल तुमको पानी भी नहीं देंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा तो 4 हलवाई और चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई और घी तेल की पूड़ी और खीर हलवा सब्जी खुशबूदार खिलाते रहते हैं। कितने चुनाव लड़ने वालों ने महीनों तक भंडारा किया है और उसके बाद चुनाव हार गए बेचारे, बहुत दुख लगा उनको। लेकिन उसमें कोई साधु संत भंडारा नहीं खाया है, सब मच्छरगिद्धा गिद्ध लोग आए थे और जहाँ गिद्ध जुटते वहाँ तो अशुद्ध होता ही है, शुद्ध नहीं हुआ। और यदि इनको चुनाव जीतना था मुझसे पूछ लेते, मैं इनको सिखा देता। चुनाव जीतना है तो जो 1 महीना तुम भंडारा करते हो उसके बजाय 5 साल से पहले से हर महीना में पूर्णमासी को तुम भंडारा करो और साधु संतों को भी बुलाओ और जितना चुनाव लड़ना है उन लोगों को बुलाओ। 1 दिन भंडारा हो गया तो कम से कम 1 दिन लोग साधु संत आए, भंडारा हो, थोड़ा प्रवचन हो, सत्संग हो, कोई तुम्हारे बारे में कुछ बोले भी, थोड़ा धन्यवाद भी दे। और वे साधु संत और वे भंडारा खाने वाले लोग, जब साधु संत आता है ना उस भंडारे में लोगों की मानसिकता बदल जाती है। वो समझ जाते हैं यहाँ मीट मछली नहीं मिलेगा और यहाँ ड्रिंक भी नहीं चलेगा क्योंकि ये साधु बाबा बैठा हुआ है। तो साधु संत का मतलब है वे भंडारा, यानी जहाँ पर शाकाहारी भोजन है वही भंडारा है, जिसमें मांस मछली अंडा मुर्गा बकरा भैंसा सब पक रहा है और पीपा भर भर के दारू आ रही, वो भंडारा नहीं है, वो भंडाफोर है। भंडाफोर, और ये भंडाफोर करने के बाद तुम्हारा भांडा फूटेगा, सब खा पी के बर्बाद करेंगे। और चुनाव जीतने के लिए साधु संत को गांठना जरूरी है। साधु संत को जो गांठ ले वो फायदे में रहता है, क्योंकि अगर एक साधु का आशीर्वाद मिल गया, ऐसा कोई साधु नहीं है जो घूमने वाले संत हैं या जैसे भी संत हों, 1000-2000 लोग तो उसके बात को सुनते ही रहते, जुड़े रहते हैं, और हम जैसा संत है तो करोड़ों में बात को पहुंचाता है। हम सिस्टम से चलते हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग सुनते हैं, टीवी के माध्यम से सुनते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी रूबरू सत्संग करते हैं। तो कोरोना जब नहीं है तब सत्संग होता है तो 10,000 से लेकर 40,000 तक श्रोता, 50,000 बैठता है। 50,000 श्रोता में अगर एक शब्द में बोल दूं कि ये श्याम नारायण नाम का जो नेता है, नया नेता है, ये तुम्हारा सबका सेवक बनेगा और
इसने तुम्हारे क्षेत्र का चुनाव कर लिया है, अब क्षेत्र वालों को इसका चुनाव करना है। ये आशीर्वाद लेने आए हैं, गुरु का आशीर्वाद और तुम लोगों का आशीर्वाद। इसमें बात कितने लोगों में पहुंची जा करके, जैसे आज प्रधानमंत्री देश के हैं, इसने साधुओं को गांठ लिया है, साधु गठे हैं इसके साथ, बहुत साधु गठा हुआ है, करीब 99% साधु और भगत, ये सब गांठ लिया उसने। कैसे गांठा है, कुछ करता रहता है, विनम्र भी है, कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम हो संतों के पैर भी छू लेते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री होने का नशा इतना खतरनाक नशा है, पैर छूना तो अलग है, हाथ पैर तोड़ न दे, तोड़वा भी सकता कितने लोग मुख्यमंत्री बने तो बहुतों के हाथ पैर खोपड़ी सब तोड़वा फोड़वा दिया, तो वो गांठ लेते हैं। और संत को पंछी कहा गया है, जैसे पंछी प्रचार करता है ना सब जगह, इस पेड़ से उड़कर उस पेड़, उससे उस पेड़, उस बगीचे में चला गया, ऐसे संत उड़न परी है, वो चलता फिरता रहता है, जहाँ जाता है थोड़ा बहुत गुणगान भी करता रहता है, कोई गलत है तो उसके बारे में गलत भी बता देता है। तो संत महात्मा अगर आपके भंडारे में सम्मिलित नहीं हुए तो भंडारा नहीं है, वो तो केवल भोजन खिलाया जा रहा है, खाना खा रहे हैं लोग। यदि इसमें मांस मछली शामिल है तब तो फिर राक्षसी आहार है, फिर उसको भंडारा कह भी नहीं सकते। तो भंडारा करना बहुत अच्छी बात है, और साल में एक बार हर गृहस्थ को भी भंडारा करना चाहिए। जो भी साल में पाप ताप संताप श्राप कुछ कहीं से हुआ है वो सब कट जाए, और गांव के लोगों को भी भंडारा खिलाना चाहिए।